हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? नोट्स कैसे लग रहे हैं आजकल के? कमेंट करके जरूर बताइए, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में या नहीं? जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? कोई भी डरने की बात नहीं है। चलिए, आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, जो कि अब डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट हो गया है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इससे 5 क्वेश्चंस छोटे छोटे से जरूर आने हैं, क्योंकि ये विटामिन टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। आपके डी फार्मा में ऐसे ही 2-3 सब्जेक्ट हैं जिनमें विटामिन को बार बार रिकवर किया गया है वो। तो चलिए, इस बार हम लोग देखते हैं बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट नेम है और टॉपिक है हमारा विटामिन। विटामिन में क्या क्या पूछा जा सकता है और ये इम्पोर्टेंट आपके लिए कैसे हो सकता है, यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। और कैसे आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन पे हम लोग को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसमें से एक भी नंबर कटने वाले नहीं है, ठीक है? तो जितना आंसर सही रहेगा उतने नंबर फटाक से मिलेंगे, 20 नंबर आ जाएगा, कितना अच्छा रहेगा, ठीक है? तो देखिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ, सिर्फ एक ही फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, हजारों के पास तो नहीं। क्या आप लोग का एक भी फ्रेंड नहीं है जिससे आप अपनी दीदी की हेल्प कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट? चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ज्यादा बातें नहीं करके, ठीक है? तो जैसा आपको अच्छा लगेगा वैसा करिएगा, कहना हमारा काम है और करिए या ना करिए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, विटामिन्स, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो एनिमल्स एंड ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ एंड उनके लाइफ वर्क के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विटामिन कहते हैं। ओके, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत कर रहे होंगे, उनको आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे पूरा हिंदी में लिखा हुआ है। हमारे पास जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो ज्यादा हैं, क्योंकि कहते हैं दीदी मुझे हिंदी में ही चाहिए। तो देखिए, जहां पे मैं आपको हिंदी में बोल रही हूँ उसे हिंदी में लिखना है, और जो वर्ड्स मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ उसको इंग्लिश में ही लिखना है। आप सबको पता ही होगा, अब तो काफी पुराने हो गए हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, विटामिन के बारे में जान गए कि विटामिन क्या होती है, जो मनुष्य और जंतुओं की ग्रोथ करती है, बॉडी को अत्यंत आवश्यक है बॉडी के लिए, उसी क्या कहते हैं, विटामिन कहते हैं। और विटामिन के साइंटिस्ट नेम क्या है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो विटामिन के साइंटिस्ट का नेम क्या है, फंक। ओके स्टूडेंट्स, जो फंक साइंटिस्ट थे उन्होंने चावल की भूसी से बेरी बेरी डिसीज, बीमारी को उत्पन्न होने से रोका और उसको अलग किया, सेपरेट किया। ओके, विटामिन शब्द का प्रयोग 1912 में पहली बार हुआ। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विटामिन शब्द का यूज, वर्ड का यूज कब हुआ था, 1912 में, 1912 में पहली बार हुआ था, ठीक है? विटामिन कौन सा वर्ड है ये भी याद रखना है आपको, विटामिन लैटिन वर्ड है। तो ये लैटिन वर्ड यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है, बीटा लाइफ एमीन इसेंटियल। ओके, जंतु को अधिकांश विटामिन उनके भोजन से ही प्राप्त होता है, क्योंकि विटामिन का संश्लेषण प्लांट्स द्वारा किया जाता है। ओके, जो दूसरे साइंटिस्ट थे हॉपकिंग के अनुसार, विटामिन की उपस्थिति शरीर बॉडी के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अत्यंत आवश्यक है। ओके, इनके अभाव मतलब इनकी कमी से डिजीज उत्पन्न हो जाती हैं, होने लगती है, ठीक है? विटामिन्स दो प्रकार के वर्गीकरण में किया गया है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे विटामिन्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। ओके, तो फर्स्ट विटामिन हमारा जो है उसमें लिखा है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से विटामिन्स आते हैं, बी और सी। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में कौन से विटामिन आते हैं, बी और सी, आपको ये बात हरदम ध्यान रखनी है, ये भी एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। सेकंड हमारा लिखा हुआ है वसा में घुलनशील विटामिन, तो आपको ये याद रखना है, हेडिंग कभी भी हिंदी में नहीं डालनी, आपको ये इंग्लिश वाला ही लिखना है। ओके, फैट सॉल्युबल विटामिन, देखिए फैट सॉल्युबल विटामिन को क्या होता है, अभी मैं बताऊंगी कैसे ट्रिक रहेगी याद करने की। तो फैट सॉल्युबल विटामिन में ए डी ई के आता है। ओके, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में देखते हैं पहले। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है, मतलब वाटर में एकदम घुल जाती हैं, तो इन्हें क्या कहा गया है, वाटर सॉल्युबल विटामिन कहा गया है। ओके, अब आइए
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि विटामिन बी तो बहुत टाइप्स की होती हैं। आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो अभी इनके साइंटिफिक नेम भी देखेंगे जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो आपको ये नोट्स बनाना है, अगर ज्यादा जल्दी हो रहा हो तो वीडियो को इसके मतलब कि क्या बोलते हैं प्रेस, हाँ रोक के प्रेस करके अपना नोट्स बनाते चाहिए। ओके, देखिए, विटामिन बी के वैज्ञानिक फंड ने चावल की छिलके होते हैं जो उनको उनसे प्राप्त किया था। ओके, यह विटामिन जल में वाटर में सॉल्युबल है एंड नाइट्रोजन युक्त है। और फिर बाद में इनके 10 विटामिन बी के 10 पार्ट को खोजा, 10 पार्ट्स की रिसर्च हुई। ओके, इन सबके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नाम दिए गए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स निम्न है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर में क्या लिखा हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। अगर आप लाइक पे शेयर नहीं करोगे तो फिर कोई भी नहीं करने वाला, क्योंकि ये कोई इंटरटेनमेंट वाला चैनल नहीं है कि सभी लोग देखेंगे। आप स्टूडेंट्स के अलावा और कोई भी नहीं आता है यहाँ पे झांकने। ओके, तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू लाइक एंड शेयर। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, विटामिन बी ए, तो इसका क्या नाम है आपको याद रखना है, एमसीक्यू क्वेश्चन में ये पॉइंट पूछा जाता है। विटामिन बी ए का नाम है थायमिन, विटामिन बी टू का नाम है राइबोफ्लोविन एंड विटामिन बी थ्री का नाम है पेंटोथायमिक एसिड और विटामिन बी फोर का नाम है कोलाइन और विटामिन बी फाइव का नाम है नियासिन एंड विटामिन बी सिक्स का नाम है पायरीडॉक्सिन, विटामिन बी सेवन का नाम है बायोटीन, विटामिन बी नाइन का नाम है फोलिक एसिड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन बी 12 का नाम है साइनोकोबालामिन। ओके, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ये सारे पार्ट्स इनको जरूर से अपने नोट्स में सभी स्टूडेंट्स लिख लें। ओके, अब आइए देखते हैं विटामिन सी के बारे में। ओ नो, ये तो मैंने स्किप कर दिया। देखिए PAVA, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये भी 10 नंबर विटामिन है, बी का ही एक पार्ट है। ओके, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, विटामिन 10 है, ठीक है, बी का ही पार्ट है। ओके, अब आइए विटामिन सी के बारे में देखते हैं। विटामिन सी जल में विलेय है, वाटर में सॉल्युबल है तथा यह सभी लोगों को पता होगा कि ये खट्टे में पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी डिसीज मतलब बीमारी हो जाती है, सभी को पता ही होगा। ओके, अब आइए फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप सभी लोग को बताया था कि मैं एक ट्रिक बताऊंगी आपको कि कैसे पता करना है कि कौन से विटामिन ए में विटामिन वाटर सॉल्युबल है और कौन से फैट। तो वाटर सॉल्युबल तो बहुत ही इजी है, बी और सी वाटर सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल मतलब फैटी चीज जहां रहती है, आपको आपने देखा होगा कि फैट रहते तो थोड़ा सा गंदा लगता है, इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। ओके, तो फैट सॉल्युबल विटामिन को आपको याद रखना है कीड़ा। ओके, तो कीड़ा कैसे आपको याद रखना है, कीड़े में क्या होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, तो फिर कीड़ा तो आपको रखना है, याद रखना है की के ई डी ए कीड़ा। ओके, कीड़ा ऐसे करके याद रखना है तो आपको हरदम के लिए याद हो जाएगा कि फैट सॉल्युबल, फैट मतलब गंदा थोड़ा सा फैटी चीज। ओके, उसमें क्या होते हैं, कीड़े होते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करिएगा। अब आइए इनके बारे में जानते हैं, इनसे बॉडी में क्या यूजेस रहते हैं, क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं और इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, फैट सॉल्युबल में बायोलॉजिकल की भूमिका मतलब क्या है। तो देखिए विटामिन ए के वर्ग क्या है, यहाँ पे ये देखेंगे। पहले फर्स्ट पॉइंट आप देखिएगा, लिखिएगा, ये बहुत सारी डिसीज मतलब संक्रमण से को रोकता है, उनसे लड़ने की क्षमता रखता है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, यह समान उर्वरक मतलब फर्टिलिटी के अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस में सहायक होता है, मतलब कि जैसे कि ग्रोथ वगैरह हो रही है उसको मेंटेन करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। या विटामिन ए जो होता है ये विजुअल पर्पल एंड रेडोप्सिन का अयस्क अवयव होता है, एक मतलब पार्ट होता है। ओके, फोर्थ पॉइंट देखिए, यह वृद्धि के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंकाल में स्केटल संयोजी ऊतक के लिए विशेष रूप से आवश्यक हो। ओके, जिससे कि बॉडी की वृद्धि ग्रोथ होती है। ओके, एपिथेलियम ऊतक जो एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज की मेंटेनेंस ऑफ
इंटीग्रिटी के लिए ये मुख्य कार है, मतलब इम्पोर्टेंट है। इस विटामिन की अनुपस्थिति समान स्थिति एपिथेलियम सर्टिनाइज्ड एपिथेलियम द्वारा विस्थापित होती है, मतलब प्रेजेंट रहती है, ओके, जो संक्रमण जीवधारियों द्वारा आक्रमण के प्रति अधिक सुग्राही मतलब सस्टेबल होती है। ठीक है, तो आपको जो वर्ड्स जैसे कि ये लिखा हुआ है, इसके जस्ट बगल में इंग्लिश लिखा हुआ है कोष्टक में करके, जैसे अखंडता का अनुरक्षण लिखा हुआ है, तो इसके जस्ट बगल में कोष्टक करके इंग्लिश में लिखा है, तो फिर जो आपको अच्छा सा कंफर्टेबल लग रहा है, आपको लर्न हो जा रहा है, उसी को लिखिए। क्योंकि देखिए अखंडता अनुरक्षण ये उतना नहीं ठीक लग रहा है ना, ये थोड़ा सा मतलब कि इफेक्ट डाल रहा है कि हाँ थोड़ा सा बच्चे ने इंग्लिश का भी यूज किया हुआ है, क्योंकि कोशिश करना हमारे हाथ में है। जरूरी नहीं है आप पूरा इंग्लिश में लिखो, बट इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके लिखो तो बेस्ट रहेगा, ओके। अब देखिए इनकी कमी से कौन सी डिसीज उत्पन्न होती हैं, बीमारियां, ओके। विटामिन ए, इसको इंग्लिश में लिखिएगा, विटामिन ई की कमी से डिसीज नंबर फर्स्ट, इसकी कमी से रतौंधी, रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, ओके। बच्चों के शरीर का विकास रुक जाता है, ग्रोथ रेटिडेशन इन चाइल्ड, ओके। थर्ड नंबर, दांतों का निर्माण क्रम हो जाता है, मतलब कि जो टीथ की पावर रहती है वो कम हो जाती है। और क्या होता है विटामिन ए की कमी से, सबसे ज्यादा ध्यान डालने वाला आजकल का, स्किन ड्राई, मतलब कि बहुत सभी लोगों को आजकल अपने बॉडी की अपने फेस की कितना ख्याल रहता है ना, तो फिर स्किन ड्राई हो जाता है और रफेज हो जाता है, स्किन हो जाते हैं, तो ठीक है। विटामिन ए को भरपूर मात्रा में सभी स्टूडेंट्स को खाना चाहिए, ओके। और ये रही विटामिन की कमियां, अब आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जीरोपैथेलियम कोई डिसीज होती है, वो भी विटामिन ए की कमी से होती है। इसकी कमी से बॉडी में जैसे कि वायरल डिसीज, जो जिनको शरीर की छूत बीमारी मतलब कि टच करने से वायरल डिसीज जो होती है बहुत ही जल्दी हो जाती है किसी भी मनुष्य को जिसके अंदर विटामिन ए की कमी होती है, ओके। अब आइए विटामिन डी के बारे में देखते हैं, सेकेंड पॉइंट डाल लीजिए आप लोग और विटामिन डी लिखिए के वर्क। विटामिन डी का कार्य कैल्शियम एंड फॉस्फेरस अवशोषण तथा उपयोग में नियमन रेगुलेशन है, मतलब कि अब्सॉर्ब करता है इनका कैल्सिफेरॉल, कैल्सिफिकेशन प्रक्रिया का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, ओके। अब देखते हैं, ये तो हो गया मतलब कि विटामिन डी की कमी से कहाँ वर्क करता है, तो कैल्शियम एंड फॉस्फेरस आपको ये याद रखना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछा जा सकता है ऐसे, ओके। अब देखिए इनकी कमी से कौन से बीमारियां होती हैं, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक डिजीज हो जाती है, इस प्रकार की डिजीज से बोन कमजोर हो जाती है तथा वयस्क में ऑस्टियोमेलिका डिजीज हो जाती है, ओके। अब आइए विटामिन ई के बारे में देखते हैं, विटामिन ई की प्रॉपर्टीज क्या होती है, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है विटामिन ए ई में, ओके। तो इतने से इतना मुझे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा, मैंने इसलिए अंडरलाइन नहीं किया हुआ है। देखिए टेकोफेराल जो कि विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है, इस अभिक्रिया का बचाव प्रिवेंशन करती हैं, ओके। विटामिन ई चूहों में जो रेट होते हैं चूहों में बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी इनको कहा जाता है, ओके। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ ज्यादा खास नहीं लगा इसलिए मैं छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट आपको क्या डालना है, विटामिन ई डाल दिया, फिर फर्स्ट पॉइंट करके लिख दिया, फिर सेकंड पॉइंट लिख के कर दिया, अब थर्ड पॉइंट लिख के आपको क्या करना है, कुछ प्राणी मतलब कि लाइक रैबिट में विटामिन ई की कमी से मस्कुलर ड्राई स्टोफ फी मतलब कि जो उनकी मसल्स होती हैं उनमें कोई कमी हो जाती है, उत्पन्न होती है, ठीक है, उनके दुष्प्रभाव होते हैं। अब आइए देखते हैं विटामिन ई की कमी से उत्पन्न रोग मतलब डिसीज कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में देखते हैं। विटामिन ई की कमी से प्रजनन शक्ति क्षीण हो जाती है, सेकंड पॉइंट स्किन का ग्लो कम हो जाता है और अकड़न मतलब पेन वगैरह रहता है, ठीक है, और नर्वस सिस्टम डिसीज होने की चांसेस रहते हैं, किसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से, ओके। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा डिसीज होता है, ठीक है। अब देखिए विटामिन के की कमी से क्या होता है, विटामिन के यह यकृत
में प्रोथैम्बिन का निर्माण में सहायक होती है। तो आपको ये याद रखना है विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है, प्रोथैम्बिन। ओके, ये लीवर के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में यह कारक 7, 9 और 10 जैसे प्लाज्मा कोगुलेशन फैक्टर के संश्लेषण का नियमन रेगुलेशन करता है। ओके, थर्ड पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, यह माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस में सहायक होता है। ठीक है, अब विटामिन के की कमी से कौन कौन सी डिजीज होती हैं इनके बारे में देखेंगे। वीडियो ज्यादा देर का नहीं रह गया है, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू सभी लोग प्लीज लाइक पे जरूर क्लिक कर दें, और जो भी आपका कमेंट क्वेरी है, जो भी दिक्कत आई है इस वीडियो में, वो भी आप कमेंट कर दें कि हाँ अब मुझे नहीं समझ में आया, मेरी ये प्रॉब्लम रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विटामिन के की अनुपस्थिति में अल्प हाइपोप्रोथैम्बिन नियम उत्पन्न हो सकता है जिससे रक्त मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग टाइम की वृद्धि हो जाती है, मतलब कि जल्दी से ब्लड क्लॉट नहीं होता है, जैसे कि कहीं कट वट जाता है तो विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉट हो जाता है तो फिर बॉडी से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। ओके, अब देखिए सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, पित्त के मार्ग में अवरोध ऑब्स्ट्रक्शन उत्पन्न होने पर स्प्रू जैसे उदर गुहा मतलब सेलिक डिसीज से वसा अवशोषण ऑब्जर्व के दोष होने के कारण इस विटामिन की कमी हो जाती है। ओके, तो ये हो गया पूरा विटामिन्स का लेक्चर, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आपको मैंने बताए हैं कैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस इनसे पूछे जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हो, रिप्लाई तुरंत देती है आपकी दीदी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी स्टूडेंट्स को किसी भी दिक्कत का सामना करना पड़े। ओके, तो चलते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। बाय बाय गाइस। सब्सक्राइब।